इस प्रोग्राम में गुरदाबाद इस्तकबाल करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामद और इसकी हसासियत को समझना ये एक बहुत बड़ी कौमी मिली और समाजी जरूरत को पूरा स्टेज पर जलवा फरोज हजरात उलमाए इकराम दानिशवारान कौम मिलत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के प्रोग्राम जो आलमी यौम इंसदाद मंशियात की मुनासबत से और इस मौके पर और इसके अलावा जितने भी मेहमान ग्रामी यहाँ तशरीफ फरमाए इंसदाद मंशियात के उनवान से हम जितनी भी अपनी इसमें कोशिश कर सके नसीबी और खुशकिस्मती। ये सबसे पहले हमें कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि दारुल महमूदिया का मैं एक स्टूडेंट हूँ। दारुल महमूदिया एजुकेशन के साथ साथ माशी इकदामात प्ले करने में भी अहम रोल अदा करता है। आज दारुल महमूदिया मेंटर के अंदर एक अहम प्रोग्राम जो है आलमी मंशियात, यानी जिस तरह ड्रग्स का जो रेशो है पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त इस रेशो की वजह से जूझ रही है, तो दारुल महमूदिया की एक कोशिश है जिसकी वजह से आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया गया के यहाँ नशा हटाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आज का ये प्रोग्राम आलमी योम इंसदाद मंशियात के उनवान से और एक जली उनवान नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उनवान के तहत दारुल महमूदिया कासिम नगर मेंढर में मुनाकिद किया गया है। इससे हमारा मकसद ये है कि नौजवान नस्ल और हमारा माशरा जिस तरह नशे की जानिब रोज़ाना बढ़ रहा है और जिसके रोज़ाना हम नुकसान देख रहे हैं, उनसे हम अपने माशरे को बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, अपने इलाके को बचाएं, ताकि हमारे नौजवान आगे बढ़कर तालीम के ज़रिए अच्छी डिग्रियां हासिल करें और अच्छे काम करें। इसके लिए हमने आज के इस आलमी योम इंसदाद मंशियात के मौके पर नशा हटाओ इंसानियत बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातुलिल्लाहिहा अम्मा बाद, अव्वलन में आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने के लिए जहमत गवारा करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर आलमी यौम इंसदाद मंशियात का के प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। ये इदारा के जिसके प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसके क़याम के मकासद में दीनी तालीमी प्रोग्राम शामिल हैं। और देखिए, जिस दीन की हम इशाअत करते हैं उसका मकसद है इंसानी तरक्की, समाजी तरक्की। मनशियात एक ऐसा बुरा अमल है जो इंसानियत दुश्मन अमल है, जो सेहत दुश्मन अमल है, जो अमन दुश्मन अमल है, जो दौलत दुश्मन अमल है, जो मोहब्बत दुश्मन अमल है, जो तरक्की दुश्मन अमल है। लिहाजा हमने इस मौके पर बहुत मुनासिब समझा, हमारे इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात के तलबाए अज़ीज़ ने, जिसमें अरबी दर्जात के तलबा हैं, हिफ्स के तलबा हैं, दीनियात से वाबस्ता तलबा हैं और हमारा बहुत ही फ़ाल शोबा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का उलमा प्लस हिफ्स प्लस प्रोग्राम जो बहुत ड्राप आउट बच्चों को सिर्फ़ एक डेढ़ साल के अंदर मैट्रिक कराने का प्रोग्राम है,
उस शोबे के इन तमाम तलबा ने अपने मुख्तलिफ शोबा के असातिज़ा की रहनुमाई में और उनकी निगरानी में आज नशा के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें थोड़ी देर में तलबा जो हैं वो एड्रेस करेंगे लाइव लोगों से और ये पैगाम देंगे कि नशा के क्या नुकसानात हैं और नशा को बचाना, नशा से समाज को पाक करना ये इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है कि हमारे माहौल में खुशहाली आए, हमारे नौजवान सेहतमंद हों, हमारे नौजवान बड़ी डिग्रियों के हामिल बने, हमारे नौजवान जो हैं वो ओहदे ऊँचे मनासिब और ओहदों तक पहुँचे, हमारे नौजवान मुल्क की मईशत को बेहतर करने में मुस्तकबिल में रोल प्ले करें। इन अजीम मकासिद के तहत जो हैं वो दारुल महमूदिया के ज़ेर इंतज़ाम व अहतमाम आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं तलबा अज़ीज़ को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर और इनके सातिजा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके ज़रिए तमाम बरादरान वतन से ये अपील करता हूँ कि इस वक्त का हम सब के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी जंग हमें लड़नी है सबको मिल करके, हर मजहब के जिम्मेदार को, हर सियासी कायद को, हर समाजी जो है जिम्मेदार को, वो है नशा बचाओ प्रोग्राम, कि नशे से किस तरह हमारा समाज पाक हो। गोया नशे से समाज पाक होगा तो तमाम तरक्यात के दरवाजे इन पर खुलेंगे और अगर खुदा न खास्ता हमारा समाज जिस तरह तेज़ कदमों से नशे की दलदल में फंस रहा है, इसके ऊपर अगर कदगन ना लगाई गई, इस तेज़ रो रैले और सैलाब को न रोका गया तो कश्ती इंसानियत के डूब जाने का ख़तरा है। लिहाजा इस अजीम मकसद के तहत हमने भी ये प्रोग्राम किया और हम आपसे भी और दीगर समाजी इकाइयों से भी इस प्रोग्राम में शमूलियत की यानी अमली शमूलियत की जो है वो दावत देते हैं। अल्लाह हाफिज़।